हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दिल अलर्ट। एक बार फिर शुरू हो गया है हमारा प्रोग्राम सोशल हेल्थ। सबसे पहले आपको बता देते हैं आज के दिन का एजेंडा। आरोग्य सेतु ऐप के नाम पर बहुत बड़ी चोट हो गई, खिसिया कर कार का अंतिम संस्कार करने वाला वीडियो दिखाएंगे, और दिखाएंगे केरल से आया एक वीडियो जिसमें पड़ोसी की दुकान ही उखाड़ दी, कारण बताया कि शादी नहीं होने दे रहा था। और पिक ऑफ द डे में आपको दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्री के शौकीनों के लिए मुफ्त की दावत। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हुई, तमाम आईटी सेल आज काम पर भिड़े रहे, हैशटैग चले बिहार विद एनडीए, बिहार पोल्स, बिहार इलेक्शंस, और तेजस्वी यादव का नाम वगैरह भी ट्रेंड होता दिखा। उपचुनाव एमपी में भी हैं तो वहां का भी असर रहा, हैशटैग बुजुर्गों का दोषी कमलनाथ ये ट्रेंड होता दिखा। प्रधानमंत्री मोदी की बिहार रैलियों के क्रम में मुजफ्फरपुर भी ट्रेंड होता नजर आया, जंगल राज का युवराज वाले वर्ड प्ले पर भी खूब बातें चली। आज ट्रेंड होती नजर आई श्रद्धा कपूर और उनके साथ नजर आया एक नाम नागिन। अब सीरियल की जगह फिल्में बनेंगी, 3 पार्ट में फिल्म बनेगी ये तय हुआ। इस अवसर पर उनका नाम ट्रेंड कराया गया। कराए गए ट्रेंड्स में वैसे तो बहुत ध्यान नहीं जाता, लेकिन इसमें मीम बड़े सही सही से दिखे। नागिन और मक्खी वाले सीरियल्स में एक तरह से साइंस और लॉजिक के साथ ही स्पेशल इफेक्ट्स के साथ भी मजाक किया जाता है, उस एडिटिंग का मजाक उड़ाया गया। श्रद्धा कपूर का फिल्म के चलते चलते यूं ही मर जाती हूं मैं टाइप रिकॉर्ड रहा है तो कहा गया लास्ट में मत मरना प्लीज। नागिन की आड़ में कंगना रनौत पर भी मीम और जोक चले। वायरल है बच्चों की स्पून रेस का एक वीडियो, जगह काल और परिस्थिति हमको पता नहीं है, लेकिन संदेश जो है वो एकदम साफ है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वीडियो देखिए आप। अब बारी है आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की। नाम चला आरोग्य सेतु ऐप का। आरोग्य सेतु ऐप माने वो ऐप जो मानव सभ्यता के इतिहास में शायद ही किसी के काम आया हो। इस ऐप का इकलौता काम ये है कि ये इंस्टॉल करना होता है, और आपने इंस्टॉल भी कब किया होगा, जब एचआर वालों ने कहा होगा नहीं 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 आरोग्य सेतु ऐप तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा आपको। खैर, टेक्नोलॉजी और बकैती के जानकार बताते हैं कि इससे ज्यादा काम तो फेसबुक पर पोक वाला बटन और द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई में राजपाल यादव आए थे। तो अभी बात इसलिए क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में एक आरटीआई से कमाल की जानकारी मिली। आरोग्य सेतु ऐप की साइट पर लिखा है कि इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ने डेवलप किया, लेकिन आरटीआई में एनआईसी और आईटी मिनिस्ट्री ने कहा हमें पता ही नहीं है किसको किसने बनाया। माने इसे ऐसे समझिए कि मैं लल्लन टॉप पर आकर एक शो करने लगूं और आप शो देखने लगे और सौरभ द्विवेदी को पता ही नहीं कि ये शो कौन बना रहा है। समझ रहे हैं आप, मतलब सरकारी काम किस लेवल पर हो रहा है। माने उस ऐप को ये तो पता है कि ब्लूटूथ चलाकर वो कितने मिनट में मेरी बैटरी सुड़क लेगा, उसको ये भी पता है कि मेरे किस पड़ोसी को कोरोना है, लेकिन जवाबदारों को ये नहीं पता कि ऐप बना कैसे, बनाया किसने। अब सीआईसी नोटिस भेज रही है, सोशल मीडिया अलग लगा है। उर्मिला मातोंडकर पूछती मिली कि क्या पीएम मोदी ने पूरे देश को ये ऐप इंस्टॉल करने को नहीं कहा था। राहुल गांधी के पुराने ट्वीट चले कि उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए थे। आरोग्य सेतु ऐप को एक्ट ऑफ गॉड बताया गया, डेटा सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। लोगों ने लिखा सरकार को ना आरोग्य सेतु ऐप बनाने वालों का पता, ना रफाल फाइल चुराने वालों का, ना प्रवासियों का डेटा है, इकोनॉमी ठीक रखने का तरीका नहीं पता, ना चीन के कब्जे का। पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ बताया गया कैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातों के बीच आरोग्य सेतु ऐप का स्टाफ अपनी नजर गड़ाता होगा। अब आपको दिखाते हैं आदमी के पास पैसा हो और YouTube पर व्यूज की भूख तो वो क्या कर सकता है। एक रशियन ब्लॉगर है मिखाइल लित्विन, ऐसा कुछ उनका नाम है, मैं गलत ना उच्चारण कर रहा हूं, अगर कर रहा हूं तो मुझे माफ कर रहा। इनने क्या किया कि अपनी ही कार जला दी। माने एक खुले मैदान के बीच गाड़ी ले गए और कार का अंतिम संस्कार कर दिया। गाड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, नाम बताया गया मर्सिडीज एएमजी GT63S। अब चूंकि कारों के नाम पर थैंक गॉड यूपी पुलिस है, TUV 300 मुझको पता है, और बाकी गाड़ियों के पलटने ना पलटने जैसी खासियतों का उतना आइडिया मुझे है नहीं, तो ये मर्सिडीज रुपयों में 2.4 करोड़ की, मतलब लगभग 2.5 करोड़ की थी। तो मैं ये हिसाब लगा के चल रहा हूँ, और आप भी ये मान के चलिए कि बहुत ही रैंडम निकल गए ये जीवन में और बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर दिया।
कारण क्या बताया गया कि गाड़ी बार बार खराब होती थी और अगला इस बात से एकदम चट गया था और इसीलिए गाड़ी ही फूंक दी जनता। और वेली 1,17,00,000 लोग अब तक इस वीडियो को देख भी चुके हैं और मजे की बात ये कि उधर गाड़ी चल रही थी भाई, इधर वो क्या कहते हैं उसको सॉसेज वॉसेज जैसे गरम वरम करके खा रहा था। बताओ, पड़ोसी से चटा आदमी इस दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हो जाता है, माने वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ऐसा ही कुछ किया केरल के कन्नूर के एल्विन मैथ्यू ने। उसने अपने पड़ोसी सोजी की ग्रोसरी शॉप अर्थ मूवर, जिसको हम आगे जेसीबी ही कहेंगे, तो उस जेसीबी से गिरा दी। मीडिया रिपोर्ट्स में वजह बताई गई कि एल्विन के लिए शादी के रिश्ते आते थे, सोजी उन्हें उसट करा देता था। उसी चक्कर में एल्विन ने कदम उठाया, जेसीबी से दुकान ढहा दी और कहा यहाँ गैर कानूनी काम चलते थे। हमने शिकायत विकायत की थी, शिकायतें सुनी नहीं तो खुद ही हम एक्शन ले लिए। अब हुआ ये कि एल्विन अरेस्ट हुए, वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया कह रही है कि सेम यही सीन तो हमने अयप्पम कोशियम ये फिल्म है उसमें देखा था। यहाँ एक क्या होता है उस फिल्म में कि एक बंदा अपने पड़ोसी की अधवनी बिल्डिंग ऐसे ही गिरा देता है। अब दोनों वीडियो साथ के साथ लगा के वायरल हो रखे हैं। अब बारी है सोशल लिस्ट में हमारे आखिरी सेगमेंट की, पिक ऑफ द डे की, जहां कोई अच्छी फोटो, कोई अच्छा वीडियो, हैंडल, चैनल, अकाउंट हम आपको सजेस्ट करते हैं कि देखिए हमको बड़ा जहां फाड़ लगा, आपको अच्छा लगा तो कैसा लगा बताइए। DW डॉक्यूमेंट्री आज की यूट्यूब चैनल का नाम है, डॉयचे वेले वालों का है। अमेरिका के रेडिकल मिलिटेंट से लेकर भूटान की खुशियों तक, सुपर फूड से लेकर नाइजीरिया में सेक्स ट्रैफिकिंग तक, हर सब्जेक्ट की डॉक्यूमेंट्री आपको यहां से मिलेंगी। गाजा की फोटोग्राफिक हिस्ट्री से लेकर किराना पहुंचाने वाले गैंगस्टर तक की कहानियां यहां उपलब्ध हैं। बहुत फ्रीक्वेंट वीडियो आते हैं इनके, 24 घंटे में आपको कोई नया वीडियो नजर आ ही जाएगा। मतलब ये कंसिस्टेंसी कमाल की है। तो डॉक्यूमेंट्री चाहने वालों के लिए ये एक मुफ्त का खजाना है, यूट्यूब पर ऐसे ही पड़ा है, लूट लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल हमारी मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए मैं चला, लाइक कमेंट सब्सक्राइब उस सब का जो संस्कार होता है उसका ख्याल आप लोग रख लेंगे, मुझे विदा दीजिए, मैं कहता हूं आपको टाटा।